आइए हम मेन सवाल को फेस टू फेस देखते हैं। मेन सवाल ये है, जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का सिस्टम है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड से लाया हुआ सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर धर्म को खत्म करके सिर्फ कोर्ट लेवल पर सारी चीजें डील की जाती है। धर्म का मकाम इस चीज में नहीं रखा जाता, ये धार्मिकता से अधार्मिकता की तरफ ले आना, रिलीजियसनेस से इरिलीजियोसिटी की तरफ ले जाने वाला सिस्टम है। आइए हम देखते हैं कि ये सिस्टम जो वेस्टर्न वर्ल्ड का है, क्या ये कामयाब सिस्टम है या टोटली फेल सिस्टम है। अमेरिका में कितने बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? अगर 100 बच्चे पैदा होते हैं तो 40 बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं, और 30 साल से कम उम्र वाली औरतों को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मोर देन 50% आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की पूरी 28 कंट्रीज का एवरेज है कि 40% बच्चे शादी के बाहर पैदा होते हैं, और ये तो फिर भी ठीक है। फ्रांस 57% पहुंच चुका है, यानी 50% क्रॉस कर चुका है। आइसलैंड में तो 66.9% बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे हैं। यूके में 2012 में इटसेल्फ 47% बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा हो रहे थे। 2016 का उनका एस्टिमेट था कि बाय 2016 मोर देन 50% पॉपुलेशन, यानी 100 में से 50 बच्चे कम से कम मैरिज के बाहर पैदा होंगे। इस चीज का एहसास उन्हें खुद हुआ है कि इस चीज से कितने डैमेजिंग रिजल्ट्स पैदा होंगे। यूके के पार्लियामेंट में वहां के एमपीज ने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि हमें कुछ टैक्स बेनिफिट देना चाहिए वो लोगों को जो मैरिज के अंदर बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि जो बच्चे आउटसाइड मैरिज पैदा होते हैं उन्हें कई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनका परफॉर्मेंस स्कूल में अच्छा नहीं होता, कई बार ऐसे बच्चे ड्रग अब्यूज के शिकार हो जाते हैं। अमेरिका में तकरीबन 1 करोड़ ऐसी माएं हैं जो अकेले बच्चों की परवरिश कर रही हैं, और अमेरिका के हर 4 बच्चों में से एक बच्चा ऐसी माँ के पास बड़ा हो रहा है बगैर फादर के, अपने बाप के बगैर, यानी 2.25 करोड़ अमेरिकन बच्चे अपनी सिंगल मदर्स के पास बड़े हो रहे हैं। census.gov अमेरिकन गवर्नमेंट सेंसस वेबसाइट, जिसमें आप ये खुद जाकर सारी चीजें वेरीफाई कर सकते हैं। अब ऐसी मदर्स का क्या होता है जिन्हें बाप का भी रोल अदा करना पड़ता है और माँ का भी रोल, क्योंकि बाप तो प्रेग्नेंट नहीं होता, और कई बार हम देखते हैं कि ऐसी माएं ऐसे बच्चों का अबॉर्शन करा देती हैं। तकरीबन 26% प्रेगनेंसीज अबॉर्शन के अंदर खत्म कर दी जाती है, यानी कि अगर 100 माएं प्रेग्नेंट हो रही है तो 26 माएं अपने बच्चों का अबॉर्शन करा देती है। 74 माएं जो डिलीवरी करती हैं उनका यह हाल होता है कि ऐसी सिंगल मदर्स में से 28.7% माओं को सीवियर मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है इतने सारे प्रेशर्स की वजह से, मैरिज लॉज, डिवोर्स लॉज का ताल्लुक रिलीजन से तोड़ देने की वजह से, वहां का पूरा फैमिली सिस्टम ही टूट गया, वहां मैरिज के सिस्टम को मुश्किल बना देने की वजह से, डिवोर्स सिस्टम मुश्किल बना देने की वजह से, और कई सारी डिफिकल्टीज की वजह से बहुत से लोगों की सोच ये बन गई कि हम पहले ऐसे ही रहकर देख लेते हैं, अगर सब चीज सेट हो गई, ठीक हो गई, तो बाद में जाके शादी कर लेंगे। लेकिन बाद में भी जब शादी करते हैं तो आपको पता है वैसी शादियों का क्या होता है? आप देखेंगे अक्सर ये वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर बहुत ही हाई डिवोर्स रेट्स है। इंडिया के अंदर तलाक और डिवोर्स का इशू बहुत डिस्कस किया जा रहा है। आज हम देखते हैं कि डिवोर्स के इशू को एक कम्युनिटी के साथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन 2011 के सेंसस रिकॉर्ड जब हम देखते हैं तो बहुत जरूरी है कि डिवोर्स के फिगर्स के साथ साथ हम लोगों को सेपरेटेड के फिगर्स भी साथ में रखकर एक टोटल फिगर का जायजा लेना चाहिए। जब इस टोटल फिगर को हम देखते हैं तो आप पाएंगे कि सारे फेथ्स में ये चीज प्रैक्टिस हो रही है। डिवोर्स एंड सेपरेटेड मिलाकर सारे फेथ्स के अंदर तकरीबन उनकी पॉपुलेशन के करीब करीब ही है, थोड़ा सा प्लस या माइनस होकर। हम देखते हैं कि ये चीज प्रिवेलेंट है। मिसाल के तौर पर जो टोटल फिगर्स है, हिंदू रिलीजन का शेयर 77% है, मुस्लिम्स का शेयर 15% है, क्रिश्चियंस का शेयर 4% है, और सिख, बुद्धिस्ट, जैन और अदर्स, ये सबके भी अपने अपने शेयर्स हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये चीज जो इंडिया में आज है, ये एक बहुत बड़ा सक्सेस है कि हमारे 1000 मैरिजेस में सिर्फ 13 डिवोर्स तक पहुंचते हैं। 1000 शादियां होती है, 13 डिवोर्स होते हैं। अमेरिका में 1000 शादियां होती है, 530 डिवोर्स होते हैं, और अमेरिका फिर भी इसमें बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में कम है। फ्रांस में 550 डिवोर्स होते हैं, क्यूबा में 560, एस्टोनिया में 580, लग्जमबर्ग में 600, स्पेन में 610, चेक रिपब्लिक में 660, हंगरी में 670,
पोर्चुगल में 680 और बेल्जियम में 710, यानी 1000 में से 710 डिवोर्स हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि वहाँ का शादी का सिस्टम फेल हो चुका है, डिवोर्स का सिस्टम फेल हो चुका है, वहाँ का फैमिली सिस्टम फेल हो चुका है। तो वहाँ के इस सिस्टम को इंडिया में लाकर यहाँ पर हमारा अच्छे सिस्टम को स्पॉइल करने की क्या जरूरत है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब चीजें इंडिया में परफेक्ट है। हाँ, हमें भी कमियां हैं, हमें भी कहीं सुधरने की जरूरत है, लेकिन कम से कम इस चीज में तो इंडिया बहुत अच्छा है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स से साबित हो रहा है, जैसे कि हम सब देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला सिस्टम इंडिया में कैसे लाएं, जबकि हम ये देखते हैं कि वहां पर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो उन्होंने धर्म को खत्म करके सिर्फ एक कानून को रखा है, तो इस चीज की वजह से उन्हें कितने सारे नुकसानों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज हमारे हम अच्छे सिस्टम को कैसे स्पॉइल कर सकते हैं? आगे आप देखेंगे कि अमेरिका के अंदर जब मैरिज का सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो कौन सा सिस्टम चलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बच्चे जो आउटसाइड मैरिज पैदा होते हैं वो तो चीज है ही, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, और वो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का प्रॉब्लम। अमेरिकन गवर्नमेंट वेबसाइट सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो cdc.gov पे आप देख सकते हैं, वो कहता है कि अमेरिका में STDs एक अनप्रेसिडेंटेड हाई लेवल तक पहुंच चुका है। अमेरिका के 33 करोड़ लोगों में से 11 करोड़ लोगों को STD हो चुके हैं। हर साल 2 करोड़ और लोगों को STD हो जाता है, और अमेरिकन गवर्नमेंट को तकरीबन $16 बिलियन हर साल खर्च करने पड़ते हैं। $16 बिलियन का मतलब 1,70,000 करोड़ इंडियन रुपीस, जो इंडिया का पूरा हेल्थ बजट है, उससे बहुत ज्यादा सिर्फ STDs को कंट्रोल करने में खर्च किया जाता है। मैं अपील करता हूँ हमारे कंट्री के सारे लोगों से, हमारी कंट्री की सारी वो विमेन राइट्स ग्रुप से भी अपील करता हूँ कि आप ही बताइए, ये जो वेस्टर्न सिस्टम है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए ग्रेजुअली इंडिया में लाया जा रहा है, वो वेस्टर्न सिस्टम क्या सचमुच औरतों को राइट्स दे रहा है? क्या बीत रही उन सारे बच्चों पर? क्या ऐसे फादर्स जो शादी के बाहर बच्चे पैदा करते हैं, क्या उनकी विरासत इनहेरिटेंस में राइट होता है बच्चों का? क्या होता है उन औरतों का? क्या उन्हें राइट्स मिल रहे हैं? क्या उन्हें ऑनर मिल रही है? क्या उन्हें डिग्निटी मिल रही है? या उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है? तब तक जब तक वो खूबसूरत है, तब तक उन्हें कोई मिलेगा जो उनमें इंटरेस्टेड होगा, उसके बाद क्या? तो ये पूरा के पूरा सिस्टम एक बहुत ही नुकसानदेह, एक बहुत ही हार्मफुल सिस्टम है। और हमारे यहाँ जो बेटर सिस्टम है, जो पर्सनल लॉज पर बेस्ड सिस्टम है, हम उस अच्छे सिस्टम को छोड़कर एक वर्सेस सिस्टम को क्यों लाएं?